क्रिकेट जगत स्पॉट फिक्सिंग की वजह से एक बार फिर इन दिनों सुर्खियों में है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन की रिपोर्ट में कहा गया है कि दो सट्टेबाजों ने पर्थ में चल रहे टेस्ट मैच में खेल के फिक्स किए गए हिस्से को बेचने की कोशिश की थी, जिसके आधार पर बड़ी रकम जीतने के लिए सट्टा लगाया जा सकता है। आईसीसी समेत तमाम क्रिकेट बोर्डों के प्रमुखों ने एशेज में मैच फिक्सिंग को लेकर किए गए दावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हालांकि आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक क्रिकेट मैच में भ्रष्टाचार का फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला। दरअसल द सन की रिपोर्ट उस स्टिंग ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें दो भारतीय दावा कर रहे हैं कि वे आईपीएल और बिग बैश ही नहीं एशेज सीरीज को भी फिक्स कर सकते हैं। इनमें एक शख्स पूर्व क्रिकेटर सोबर्स जोबन है, जो जूनियर लेवल पर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुका है। उसके पिता बलजीत सिंह जोबन दिल्ली में क्रिकेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उधर बलजीत सिंह जोबन ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा दिल्ली में मैच करवाता था, हो सकता है इस दौरान वो किसी से मिला हो, लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा। अब जब आईसीसी मामले की जांच कर रहा है तो इंतजार करें, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर लटका दे। अब जब आईसीसी मामलों की जांच कर रहा है तो देखना दिलचस्प होगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।